इस वक्त की बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना को लेकर विवादित ट्वीट किया। ऋचा के इस ट्वीट के बाद फैंस द्वारा उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान द्वारा कब्जे वाला कश्मीर वापस लेने जा रही है, इसके लिए बस आदेशों को पूरा करने का इंतजार है। इस बयान को रिट्वीट करते हुए ऋचा कहती है गलवान सेस हाय, जिसके बाद वो भाजपा के निशाने पर आ गई। वहीं यूजर्स इस कमेंट के जरिए ऋचा की जमकर क्लास लगा रहे हैं। हालांकि विवाद को बढ़ता देख ऋचा चड्ढा ने अपने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। इस मामले पर भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये शत प्रतिशत देशद्रोही इस प्रकार का ट्वीट, जब अपने फौज के वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार है ये कहने के बाद गलवान इज सेइंग हाय टू यू, ये कहना इसका मतलब गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए देश की रक्षा करते हुए उनका भी अपमान है, और इसके लिए ऋचा चड्ढा के ऊपर तुरंत अकिन टू एंटी नेशनल का मुकदमा चलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ में ऋचा चड्ढा के पति अली फैजल, इनका इस बारे में क्या कहना है इसकी भी जानकारी देश के जनता को चाहिए, और हमारी मांग है कि ये ट्वीट तुरंत डिलीट होना चाहिए और उन दोनों ने माफी मांगनी चाहिए।